वेलकम बैक। ब्रिटेन से बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, मस्तोक रोड पर खुदकश धमाका हुआ। पुलिस का बताना है कि धमाके में 4 अफराद जहां भाग 20 जख्मी हो गए। पुलिस जराये का इस हवाले से बताना है कि खुदकश हमलावर का सर और जिस्मानी आजा मिल गए। धमाके की जगह से मजीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। क्वेटा मस्तोंग रोड पर खुदकश धमाका। पुलिस का बताना है कि धमाके में 4 अफराद जहां भाग 20 जख्मी हो गए। खुदकश हमलावर का सर और जिस्मानी आजा मिल गए। धमाके की जगह से मजीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका मस्तोंग रोड पर मकामी थाने के करीब हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जांबहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जांबहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद रेस्क्यू टीमों के अलावा सीटीडी और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौका पर पहुंच गया, जिन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक धमाका खुदकुश था। खुदकुश हमलावर का सर और दीगर जिस्मानी आजा कब्जे में ले लिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसने अपनी मोटरसाइकिल कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ी से टकरा दी। वजीर आजम इमरान खान ने क्वेटा के मस्तोंग रोड पर एफसी चेकपोस्ट पर होने वाले खुदकुश हमले की शदीद दरख्वास्त में मजम्मत की है। वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि क्वेटा के मस्तोंग रोड पर एफसी की चेकपोस्ट पर कालेदम टीटीपी के खुदकश हमले की शदीद मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दियां शोदा के अलखाना के साथ हैं और मैं जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआगो हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर बनने वाली दहशतगर्दी के मनसूबे खाक में मिलाकर हमें महफूज बनाने वाले मुहाफिजों और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए बताया कि जब एफसी के जवान ड्यूटी के लिए शिफ्ट तब्दील कर रहे थे तो उन पर उस वक्त हमला हुआ। हमले की तहकीकात कर रहे हैं। डीजी आईएसआई की तालिबान के आदत से मुलाकात हुई। अफगान मीडिया के सवाल से बताना है कि मुलाकात में जामे हुकूमत की तश्कील के मुतालिक गुफ्तगू की गई। डीजी आईएसआई ने गुज़िश्ता रात गुलबदीन हिकमयार से मुलाकात की है। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान के दार हुकूमत काबुल में अफगान तालिबान से मुलाकात की। जनरल फैज हमीद ने मुलाकात के दौरान अफगान तालिबान से हुकूमत के कयाम से मुतालिक मसाइल, अफगान सिक्योरिटी, इक्तिसादी मामलात और दीगर मूर पर तबादला ख्याल किया। दौरे काबुल के मौके पर डीजी आईएसआई ने सरबराह हज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमयार से मुलाकात भी की। अफगान मीडिया ने दावा किया कि तालिबान और गुलबदीन हिकमयार से मुलाकात गुज़िश्ता शब हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फवाद चौधरी कहते हैं भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं। भारत पाकिस्तान के इकदाम पर क्यों तनकीद कर रहा है? ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा मसला है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा न छोड़े। अपोजिशन जमातों को एक दूसरे की राय का इल्म ही नहीं। मुस्लिम लीग नून में कयादत का झगड़ा इस वक्त जारी है। पीआईए ने जिस किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशन की, हमारे सफारत खाने ने जो कोशिश की, फिर मीडिया के लोग जो वहां पे फंस गए थे उनके लिए वजारत इत्तलात ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और जो हमारा वहां पे काबुल में प्रेस सेक्शन है, जो द कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान है मेड टू एवेक्यूएशन आर इमेंस एंड वी विल कंटिन्यू दैट। टुडे आवर बॉर्डर्स आर ओपन, आवर एयर बॉर्डर इज ओपन। वी वॉन्ट ऑल द पीपल हु आर स्टक देयर, फॉरेनर्स स्टक इन द काबुल, वी आर रेडी टू हेल्प देम, वी आर हेल्पिंग देम एंड वी विल कंटिन्यू दिस एफर्ट। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान क्यों अफगानिस्तान के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तनकीद कर रहा है। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, क्यों उनकी तो एक सरहद भी अफगानिस्तान से नहीं मिलती। लेकिन भारतीय मीडिया को मॉनिटर किया जाए तो यूं लगता है जैसे अफगानिस्तान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। वजीर इत्तलात का कहना था, भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं और हम भारत को इजाजत नहीं देंगे कि वह अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। उनका मजीद कहना था, भारतीय टैक्स दहनगान को चाहिए वो भी मोदी से पूछें अफगानिस्तान पर अरबों डॉलर्स क्यों जाया किए।
भारतीय लोकसभा भी मोदी से पूछे कि भारतीय अवाम के अरबों डॉलर अफगानिस्तान में क्यों लगाए। मुल्की सियासी सूरतहाल पर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीजीएम खत्म हो चुका, शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम और फजलुर रहमान को नहीं पता दूसरे की राय क्या है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद यह खत्ता इंतहाई अहम बनने जा रहा है, मुमकिन है एक नया ब्लॉक तश्कील पा जाए। इस्तेकाम हमारा इस्तेकाम है, अफगानिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की है और ये सारा रीजन चीन, रूस, तुर्की, ईरान, दोहा, पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सतह पे, अभी एक साहब ने सवाल किया कब तस्लीम करेंगे, ये इमरान खान साहब का फैसला है, हुकूमतों का फैसला है। मैं वजीर दाखिला इस बॉर्डर मैनेजमेंट का इंचार्ज हूं और मैं बॉर्डर मैनेजमेंट में 100 में से 120 नंबर देता हूं फौज को। तुर्खम बॉर्डर पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद कहते हैं कि जनरल फैज हमीद काबुल गए हैं तो भारत को क्या तकलीफ है, क्या अमरीका, चीन, तुर्की और दीगर ममालिक के लोग वहां नहीं गए। अफगानिस्तान में तालिबान की कंट्रोल के बाद यह खत्ता इंतहाई अहम बनने जा रहा है, मुमकिन है एक नया ब्लॉक तश्कील पा जाए, ये खत्ता सारे दबाव से निकलने जा रहा है। अफगान मुहाजरीन के हवाले से भारतीय मीडिया प्रोपेगंडा करता है, अफगानिस्तान से 4000 लोग पाकिस्तान आए लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग अफगानिस्तान गए हैं। तुर्खम बॉर्डर पर हालात बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ एक भी मुहाजिर कैंप नहीं। सारी दुनिया सुन ले, इंडिया का मीडिया खास तौर पर सुने, इंडिया के मीडिया के लिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के मीडिया को कहना चाहता हूं कि इंडिया के मीडिया को कोट ना करें, 4000 लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं, इससे ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान गए हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया जो है अफगानिस्तान के मसाइल को समझे और दुनिया जो है वो पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है अमन की खातिर, पीस की खातिर, उसका क्रेडिट दे। हमने 10000 लोगों का इनखला किया है जनाबे वाला, इंडिया में तो 10 आदमी नहीं गए। वजीर दाखिला का कहना था कि हमने अफगानिस्तान से 10000 लोगों का इनखला यकीनी बनाया, दुनिया को हमारे किरदार को सराहना चाहिए, हम अफगानिस्तान में हम चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद कहते हैं कि तालिबान ने अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक के खसूसी नुमाइंदों का इजलास, पाकिस्तान ने इजलास की मेजबानी की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास की सदारत पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक ने की। चीन, ईरान, पाकिस्तान, तर्जमानिस्तान, उज्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में अफगानिस्तान की ताजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, इक्तसादी अवाम के रवावित को फरोग देगा। सफीर मोहम्मद सादिक ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर रोशनी डाली। इजलास में तमाम नुमाइंदों ने मजीद राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। अमारात इस्लामी के अस्करी उमूर कमीशन का एलामिया जारी, काबुल और दीगर शहरों में हवाई फायरिंग से मुतालिक हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया। शहरियों में तकरीबात पर हवाई फायरिंग की जाती है, जबीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं हवाई फायरिंग से शहरी जां भाग जख्मी और खौफ ज्यादा होते हैं, हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, हवाई फायरिंग करने वालों को गैर मुसल्ला किया जाए, फायरिंग करने वाले अफराद को शहर बदर किया जाएगा। नई अफगान हुकूमत वसीउल बुनियाद होगी, तालिबान रहनुमा मुला अब्दुल गनी बरादर कहते हैं अफगान हुकूमत हर शहरी की जिम्मेदारी उठाएगी, हुकूमत हर अफगान शहरी को सिक्योरिटी फराहम करेगी, सिक्योरिटी में बेहतरी अफगानिस्तान बल्कि दुनिया के लिए भी फायदेमंद होगी। अफगानिस्तान की वादी पंजशीर में शदीद लड़ाई जारी, तालिबान ने अमरुल्ला साले के ठिकाने का मुहासरा करने का दावा किया है। वादी पंजशीर में शदीद लड़ाई जारी थी, तालिबान ने परियान और खंज के बाद अनाबा के इलाके पर भी कब्जा कर लिया। फोर्सिंग ने सूबाई ताला हुकूमत बाजारों में दाखिल होने का दावा किया। तालिबान ने दावा किया कि अमरुल्ला साले के ठिकाने का मुहासरा कर लिया, कुछ इलाकों में लड़ाई हो रही है, जल्द फतह हासिल कर लेंगे। मजामती तहरीक के तर्जमान फहीम दश्ती ने कहा कि पहाड़ पर धमाके की वजह से दश्ते रेवत के इलाके में तालिबान को महसूर कर दिया गया, तालिबान की तमाम गाड़ियां और सामान पीछे छोड़ दिया गया, खावात क्रॉसिंग भी मुनक़ता हो चुकी है।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं आजादी के नारे क्यों लगाए मोदी सरकार आपे से बाहर हो गई। मकबूजा कश्मीर में आजादी के नारे लगाना हुर्रियत रहनुमा के अहल खाना का जुर्म बन गया। बाबाए हुर्रियत मरहूम सैयद अली गिलानी के अहल खाना के खिलाफ भारतीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मरहूम सैयद अली गिलानी के अहल खाना ने आजादी के हक में नारे लगाए थे। सैयद अली गिलानी के अहल खाना के खिलाफ मुकदमा बड़गांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। खासे फोर्सेज ने हमें अपने वालिद की मैयत को गुस्ल देने की इजाजत नहीं दी। बेटे सैयद अली गिलानी कहते हैं कि जालिम फौजियों ने जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया। वजीर आजम इमरान खान की सैयद अली गिलानी के मैयत छीनने की मुसम्मत की गई। 92 साल सैयद अली गिलानी का जिस्ते खाकी छीनना इंतहाई शर्मनाक। सैयद अली गिलानी के अहल खाना पर मुकदमा दर्ज करना भी शर्मनाक। ऐसा करना भारत में फासिज्म की एक और मिसाल है। भारत में नाजी और आरएसएस नजरिए से मुतासर हुकूमत इस वक्त मौजूद है। समाजी रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में भारतीय फौज की जानब से सैयद अली गिलानी के मैयत छीनने की मुजम्मत करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि 92 साल सैयद अली गिलानी की मैयत छीनना और फिर उनके अहल खाना के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भारतीय फासिज्म की शर्मनाक मिसाल। वजीर आजम का कहना था सैयद अली गिलानी कश्मीर के सबसे काबिल एहतराम और उसूल पसंद रहनुमा थे। इन इकदाम से जाहिर होता है भारतीय हुकूमत आरएसएस और नाजी नजरिए से मुतासर है। असद उमर ने भी बयान जारी कर दिया। सैयद अली गिलानी ने शिद्दत पसंद हुकूमत के खिलाफ आजादी की शमा रोशन रखी। अली गिलानी के इंतकाल के बाद भी भारतीय सरकार उनके पैगाम से खौफजदा है। सैयद अली गिलानी के खानदान को उनकी तदफीन नहीं करने दी। भारतीय सरकार ने उनके खानदान वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आरएसएस के फासिस्ट नजरियात में लथड़ी भारतीय हुकूमत अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लगी। बुजदिल भारतीय हुकूमत सैयद अली गिलानी की वफात के बाद भी उनसे खौफजदा रही। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं भारतीय एस्टैब्लिशमेंट कश्मीरी जदोजहद आजादी का मुकाबला नहीं कर सकती। सैयद अली गिलानी समेत मकबूजा कश्मीर का हर मुसलमान सच्चा पाकिस्तानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा धोखा ना होता तो हुकूमत को गिरा देते और नए इलेक्शन होते। पंजाब और फिर विफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। हमारी तजवीज नहीं मानी गई, खुद मैदान में आए हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए। शहबाज शरीफ से इलेक्शन कमीशन अरकान पर बातचीत हुई। नवाज शरीफ को अवाम में होना चाहिए था। अपडेट करें आपको, मुल्तान में सहाफियों से बात करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करा के हमने साबित किया कि हमारी पॉलिसी ठीक थी। हमारे साथ धोखा ना होता तो हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतवाद लाकर उसको गिरा देते और नए इलेक्शन करवा देते। पहले पंजाब और फिर विफाक की हुकूमत गिराई जा सकती थी, लेकिन जब हमारी तजवीज नहीं मानेगी तो हम खुद मैदान में आ गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि गलतियां सियासत में होती रहती हैं, लेकिन अब हम नए जज्बे और जदीद सियासत के लिए निकले हैं ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके। जो कुछ हमने किया वो तहरीक इंसाफ और नून लीग वाले भी नहीं कर सकेंगे। एक साजिश के तहत जनूबी पंजाब और पाकिस्तान में हमारी जमात को नुकसान पहुंचाया गया। आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के नतीजे बहुत बेहतर होंगे। मुआवने खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। आयन शिकन आयन की बालादस्ती की बातें कर रहे हैं। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं माजी में आयन तोड़कर करप्शन की राह हमवार की जाती रही। जमहूरियत की बालादस्ती असल में आयन की बालादस्ती है। इमरान खान जमहूरियत और आयन के अलमबरदार हैं। मसाइल का हल करप्शन के खात्मे कानून की हुक्मरानी में है। आयनी बालादस्ती के भाषण देने वाले खुद को कानून से बालतर समझते हैं। आयन की इज्जत दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे में है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना की, तो कोरोना की चौथी लहर मजीद 61 जिंदगियां निकल गई। अवाक की मजमुई तादाद जो है वो 26,175 तक पहुंच गई। 24 घंटे में 3,747 नए मरीज सामने आ गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेज की तादाद 92,249 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 2,940 मरीज सेहतियाब हुए, जिसके बाद कोरोना से सेहतियाब अफराद की मजमुई तादाद
10,60,881 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,908 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 1,80,53,326 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासिर 5,506 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। बुलेटिन में यहां वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं यौमे दिफा की मुनासबत से पाक फिजाइया का मिली नगमा जारी कर दिया गया। नगमे को नामवर गुलकार अली जफर ने गाया। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक नगमे में जज्बा हुबुल वतनी को उजागर किया गया। वतन के जानसारों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अहद की तजदीद की गई। पाक फिजाइया का हर फर्द कौम के शाना बशाना वतन की दिफा तरक्की में किरदार अदा करेगा। बचपन में कागज के जहाज उड़ाना, गली में हाथों को यूं फैलाना कि जैसे अभी हवा में उड़ जाएंगे। बड़ों से सुने आलम और रफीकी के किस्से, कुछ उन्हीं जैसा कर जाने का जुनून। इसी शौक के परवाज को दिल में लिए शाही सिफ्त मुजाहिद का हर बार ऐसी परवाज पे जाना कि जो दुश्मन को लर्जा दे। यही जज्बा जुनून है, यही इश्क है अपनी मिट्टी से, और इस इश्क की कोई इंतहा नहीं। जाएंगे तारों को ले आएंगे, कदमों में तेरे।
यौम दिफा पर पाक फिजाए के मुख्तसर दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। सितंबर 1965 की जंग की मुनासबत से डॉक्यूमेंट्री की आज छठी किस्त जारी की गई। डॉक्यूमेंट्री में 5 सितंबर 1965 के दिन फिजाए मार्के के अहवाल बयान किया गया। अब तक हमने 31 अगस्त 1965 से लेकर 4 सितंबर 1965 तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगी तैयारियों का जिक्र किया। आइए अब देखते हैं 5 सितंबर को क्या हुआ। 5 सितंबर की सुबह पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जोड़ियां पर कब्जे के साथ और अखनूर की तरफ पेशकदमी जारी रहने से वाकयात वाजे तौर पर किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे। पाकिस्तान में ये बात वाजे होती जा रही थी कि सियासी तौर पर भारत कश्मीर में मजीद इलाके गवाना कबूल नहीं कर सकता, जहां तकरीबन 300 मुरबा मील के इलाके को पाकिस्तान आर्मी ने जेर कर लिया था, जिन्होंने छंद, देवा, टकराना और जोड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया। क्योंकि हिंदुस्तान आर्मी वाजे तौर पर पाकिस्तान की जारहियत को रोकने से कासिर थी, इसलिए दूसरे महाजों पर जंग फैलने का इम्कान बहुत बढ़ता जा रहा। इस ख्याल को ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले कई पुरस्कार पैगामात ने मजीद तकलीफ दी। ये उन दिनों की बात है कि हिंदुस्तान की तरफ से नफसियाती और मालूमाती जंगी तकनीक इस्तेमाल करने की एक भरपूर कोशिश की गई कि रेडियो पर कई ऐलानात किए गए कि अगले 24 घंटे में दिल्ली के इलाके में शदीद बारिश होगी। इस ऐलान का मकसद ये था कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में मौसम की खराबी की वजह से पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। हमेशा चौकस रहने वाले एयर कमांडर सईद उल खान, जो डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पर काम कर रहे थे, इस वाकये को याद करते हुए कहते हैं कि पाक फजाइया के महकमे मौसमियात से मालूमात हासिल करने से पता ये चला कि दिल्ली के करीब बारिश का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा ये नतीजा अखज किया गया कि यह गुमराह कुल मौसम की खबर भारतीय फौज की मनसूबा बंदी का हिस्सा थी, जिसका मकसद भारतीय हमले को नामुमकिनात के तौर पर पेश किया जाना था, मगर दर हकीकत बाकी तमाम इशारे भारतीय फौज की जानब से बैनुल अक्वामी सरहद पर हमले की तरफ निशानदेही कर रहे थे। लेकिन जहां तक पाक फजाइया का ताल्लुक था, कमांडर इन चीफ और एयर हेडक्वार्टर का हमला मुतमईन था, क्योंकि पाक फजाइया ने पहले से मुस्तैदी की आला तरीन हालत में ऑपरेशन शुरू कर रखे थे। रन ऑफ कच ऑपरेशन के बाद ही पाक फजाइया की तैयारी और इंतजाम से मुतलिक मजीद कुछ करना बाकी नहीं रहा। वसी पैमाने पर मुंतशिर हवाई जहाजों पर काम के लिए 24 घंटे की शिफ्टों का इस्तेमाल करते हुए जंगी हालात की बुनियाद पर तमाम जंगी सासे जंग का सामना करने के लिए तैयार थे। पिशावर में पाक फजाइया के जहाज सैकड़ों सैंड बैग रखकर महफूज बना दिए गए थे, और दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम काम 10 से 15 दिनों में यूनिवर्सिटी के तालिबा ने रजा कराना तौर पर अंजाम दिया। पाक फजाइया के एयर बेसिस की महदूद तादाद और उनकी जोग्राफियाई तौर पर हिंदुस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से किसी भी भारतीय हमले का खतरा हर वक्त मौजूद है, लिहाजा तमाम एयरबेस इंतहाई मुमकिन अलर्ट की हालत में थे। हालात कशीदा होने से पहले ही सरगोधा स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन मसूद को सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा, नौजवान उम्मीद है आपको एहसास होगा कि आपका बेस नाकारा होने की सूरत में हवाई जंग के तमाम ऑपरेशन बेअसर हो सकते हैं। मजमूई तौर पर 5 सितंबर को नस्बतन कशीदगी कम देखी गई, मगर फिर भी पाक फजाइया ने F-86 और F-104 तैयारों के 16 मिशन किए। इस दौरान एक हिंदुस्तानी जहाज की मौजूदगी की खबर पाकर पाकिस्तानी F-104 को इलाके में भेजा गया, जिसने अमृतसर के इलाके में उसकी सुपरसोनिक फ्लाइट की वजह से होने वाले धमाकों ने इंतहाई खौफ पैदा कर दिया, और यहां तक कि हिंदुस्तानी वजीर दिफा ने ऐलान कर दिया कि पाक फजाइया के जहाज बागा के जरिए अमृतसर दाखिल हो गए हैं और हिंदुस्तान एयरफोर्स के यूनिट्स पर रॉकेट डाले गए। दरअसल जंग शुरू होने के बाद बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए रोज न्यूज।